पिटबुल। हाँ अच्छा पिटबुल, बहुत ना क्या आपको कैसे कैसे नाम है अंग्रेजों का एकदम हड्डी तेरा छीन लूंगा मैं। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल आज हम लोग जाने वाले हैं जहाँ हम लोग को जाना था। मम्मी बोली कि कुछ काम है अभी मत जाए, तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे। और जो मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है 5-6 दिन से, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं क्या मतलब क्योंकि वाईफाई यहाँ पे है ही नहीं ना। यहाँ पे वाईफाई उस मौसी के घर पे था, तो वहाँ पे वाईफाई था, तो मैं ब्लॉग बना पा रहा था। यहाँ पे है तो इस मौसी के पास वाईफाई नहीं है। तो आज फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मामा घर, तो वहाँ पे वाईफाई है, तो फिलहाल हम लोग वहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर अब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन जिस दिन वाईफाई नहीं रहूँगा उस दिन कम मिनट का होगा, जैसे 2 मिनट का, क्योंकि ज़्यादा मिनट का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो फाइनली गाइस शाम तक हो गया और दिन में ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं चला गया था कहीं पे और फ़ोन घर पे ही छोड़ के चला गया था लोग। और मैं सोचा कि मम्मी फ़ोन ले लिए, अब फ़ोन ले ही नहीं पाया और चला गया और दिन का ब्लॉग ये भी शूट नहीं हो। अभी शाम हो गया और फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने, और मैं कम से रेडी होने जा रहा हूँ। अब निकलने ही वाले कि वो मौसा आए थे मौसी को आर ओ ठीक करने, तो हुआ कि मैं आया तो आर ओ ठीक करूँगा और उसके बाद से आपको लेके चल चलूँगा। तो मौसा भी आए तो देखे घर पे भाई कोई है ही नहीं, तो फिर उसके बाद से वो क्या की, फिर हम लोग को फ़ोन किए, फिर हम लोग आए, फिर वो आर ओ वगैरह ठीक किए और फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। वैसे हम लोग रुके हुए थे इतना देर से, नहीं तो अभी कब का चले जाते, क्योंकि शीतल दी ऑफिस जाती है तो उनको आने का वेट हो रहा था कि वो आ जाए तो उनसे मिल ही ले। गाइस पूरा हार है, तो फाइनली अभी मैं निकलने वाला हूँ। तो गाइस पहले रेडी हो जाते हैं और रेडी होने के बाद सब कर लेंगे। मैं आया था छत पे कपड़ा वगैरह लेने, तो लेकिन छत पे कपड़े ही नहीं है। देखो भाई सारा रस्सी खाली है, कहीं कपड़े नहीं है, यहाँ पे झंडा टंगा हुआ है। फाइनली हम लोग नीचे तरफ जा रहे हैं, बाथरूम में रेडी हो जाए। फाइनली हम लोग नहा लिए, बोले कि पहले नहा लेते, दिन में नहाया था लेकिन सोचा कि फिर नहा ली तो नहा लिया। अभी फिलहाल जा रहे हैं कपड़े वगैरह पहनेंगे, कपड़े पहन के फिर बाय बाय। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो मैं जा रहा था वैसे मुँह हाथ धो लें, तो सोचा कि गर्मी है आज तो चलो नहा ही लेते हैं। दो दोबारा आज नहा लिया और फिलहाल अभी जा रहे हैं छत पे, क्योंकि सब कोई छत पे ही है। तो फाइनली हम लोग छत पे आ चुके हैं, लेकिन अंधेर है। वाह वाह, मैं जा रहा हूँ भाई नीचे। नीचे जा रहा हूँ ना, ऊपर जा रहा हूँ। नीचे नीचे आता गर्मी, ऊपर जाता ठंडा, इसे जो ऊपर ही रहते हूँ भाई। हम लोग कह रहे हैं सब कोई निकल चुका है, बैग वगैरह हम लोग ले लिए, तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं। सैंडल पहन लेते हैं, पहले हम लोग सैंडल पहने निकल रहे हैं। ये लोग पंखा चालू छोड़ देते, मैंने अभी बंद किया। निकल चुके थे तो फिर मेरे को याद आया कि लोग अपना पर्स ही छोड़ते हैं। ये लोग नहीं, मेरी माता श्री जी अपना पर्स ही छोड़ दिए, तो मैंने पर्स ले लिया, अब निकल रहे हैं लोग फिलहाल। मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और घर से तो बाहर निकलो तो फ़ोन निकालना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे तो नहीं निकालते क्योंकि यहाँ पे फ़ोन बहुत जल्दी चोरी हो जाते, इसलिए फ़ोन नहीं निकालते। तो फिर मौसा अंदर की तरफ है, टिकट कटा रहे, फिर उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकलेंगे। हम लोग आए हैं वहाँ वैशाली मेट्रो स्टेशन, हाँ वो रहा वैशाली मेट्रो स्टेशन, उस साइड पर और इस साइड पर। तो आप लोग चाहें उधर से भी आ सकते हैं और नहीं चाहे तो इस साइड वाले मेट्रो स्टेशन से भी आ। फिलहाल अभी 5 मिनट के अंदर टिकट अभी आई निकली गए और बैग उठाए चले। टिकट का तो काम ही नहीं किया, टिकट काटने वाला, तो मौसा गए उस साइड टिकट निकाल लें, अब देखिए वहाँ पर भी निकलता है कि नहीं। पहले हम मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं और हमारी मेट्रो भी आ चुकी है, रेडी है। डोर साइड खुल चुका है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। फाइनल हम लोग अंदर आ चुके हैं, फिलहाल हम लोग मेट्रो से नीचे उतर चुके हैं। अब लोग नेक्स्ट मेट्रो पकड़ने वाले हैं, फिलहाल लिफ्ट जाम, नेक्स्ट मेट्रो की इंतज़ार कर रहे हैं।
फिलहाल आ ही चुकी है। यहाँ पे भाई कितना भीड़ है, पूरा भीड़ बाबा भीड़ भी मेट्रो में तो पूरा जाम। देखो मतलब अंदर के अभी फिलहाल जानी है, फिलहाल हम जा रहे हैं मेट्रो पे। हाँ सब पकेट में रखिए, जो पीटा होगा चल रहा हल्का सा पीटा टाइप का, क्योंकि वो थोड़ा खत्म कर है वहाँ से अंदर डालिएगा, एक काट का पूरा एक छोटा सा छिकी होगा डालने वाला होगा, तो डालों में बाहर निकल जाओ, पीटा का बाहर निकल जाओ, बाहर निकलते समय बाहर निकल के नीचे जाओगे ना, तो बाहर मेन रोड बाहर सब नीचे जाते हैं लोग धीरे धीरे, ऐसे ही लोग जैसे जाते हैं लोग यहाँ पे भी कोई गेट नंबर करके है क्या? चलो भाई ये तो बात सीख ली है, नहीं तो इतना तो मेरे को मेट्रो के बारे में जानकारी है नहीं फिलहाल। फाइनली हम लोग वैशाली आ गए, मेट्रो में बहुत भीड़ था इसीलिए थोड़ा मेट्रो के अंदर का नहीं बना पाया वीडियो, फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे। पहले हम लोग आ चुके हैं बाहर और गाड़ी बुक भैया आ रहे हैं गाड़ी लेके, फिर उसके बाद से घर जाएंगे। और यहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं शूट करूँ क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत होती है, इसे ब्लॉग में बंद कर रहा हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 12:55 और आप सोच रहे 12:55 में ब्लॉग क्यों शूट कर रहे हैं? फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा भाई, भैया जी खेल रहे हैं पबजी, इनको हो रहा है डिस्टर्ब, तो शाबाश तुम्हें न्यास। तो भाई इतने बजे ब्लॉग इसलिए शूट कर रहा था क्योंकि जब मैं मेट्रो से उतरा गाड़ी में बैठा भैया आ गए थे, जब गाड़ी में ब्लॉग बनाने के लिए मैंने फ़ोन निकाला भाई इसका बैटरी डाउन हो गया था, और ये सैमसंग का फ़ोन है क्या पता इसका कैमरा ऑन करता है बैटरी डाउन, और अगर कैमरा ऑन नहीं है अगर तुम कुछ भी देख रहे हो तो इसका बैटरी चलता है। तो भाई मतलब गजब का ये फ़ोन है, मतलब इसमें कैमरा बहुत बैठी है, अब फ़ोटो खींचते या वीडियो वगैरह बनाते इसमें बैटरी बहुत खींचता है। तो फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, फ़िलहाल अभी मैं अभी तो सोऊँगा नहीं क्योंकि मेरा 2 बजे का रूटीन बन गया, जब से दिल्ली है 2 बजे सोते हैं और दिन में उठते हैं 8 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, गाँव जाएंगे तो वहाँ पे सो जाते हैं एकदम राइट 11 बजे सो ही जाना है और उसके बाद सोना है मेरे को, सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठ जाना है। तो फिलहाल अभी तो अभी मैंने मोबाइल चार्ज में लगाया था तो अभी ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी मतलब अभी 11 बजे तो मैं घर में आया, 2 घंटा लगता है इसे चार्ज होने, पूरा 0% हो गया था, 2 घंटा लगा चार्ज हुआ। अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर में, मैं आपको दिखाता हूँ अपने डॉग हितेशा को। एकदम गुस्सा है वो जो डॉग था उसका नाम है तेजा, लेकिन वो है पेटबुल, ये है बहुत गुस्सेमंद आदमी, गजब बेइज्जती है यार, बहुत गुस्सेमंद आदमी है पेटबुल, पिटबुल अच्छा पिटबुल बहुत ना क्या पता कैसे कैसे नाम है अंग्रेजों का एकदम हड्डी तेरा छीन लूंगा मैं। गाइस मैंने सारा कोई बात वगैरह कर रहा था तो अब सब कोई गया सोने, रोन गया तो क्या पता बैठ कर ही मूवी देखेंगे, और फिलहाल तो भाई बहुत रात होने जा रहे हैं, मैं तो भी एडिट करूंगा और फिर सो जाऊंगा। भाई टाइम दिखा रहा हूँ कितना हो रहा है, भाई देखो टाइम कितना हो रहा है, वो देखो टाइम अरे भाई डरो मत, उतना टाइम हो ही नहीं रहा है, सब घर ही ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ रियल टाइम अभी कितना हो रहा है, भाई अभी 1:50 हो रहा है, मैं खुद दिखाता हूँ, भाई अंधेरा है पूरा, छोड़ सब कोई सोए जग जाएगा लोग, लेकिन हाँ 1:00 उतना मिनट हो रहा है, मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ, देखो देखो 1:50 हो रहा है, भैया कैसे दिखाऊँ इसमें तो उल्टा ही दिखेगा, भाई 1:50 हो रहा है खुद देख सकते हो, छोड़ो। और भाई मैं एडिट करूँगा और सो जाऊँगा भाई, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मैं जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो मेरा कॉमेडी वीडियो है और कुछ दिन से रुका हुआ है तो मैं ज़रूर डालूँगा, और गाइस मेरा जो चैनल है ना उस पर हर टाइप का वीडियो जाता है, जाएगा मतलब पहले तो नहीं अब जाता है, जैसे ब्लॉग आप सोचते हैं भाई करते क्या ब्लॉग डालते करते क्या, भाई बहुत टाइप के ब्लॉग मतलब ब्लॉग डालता हूँ, कॉमेडी वीडियो जाता है उसे कभी, मतलब थोड़ी एक्टिंग लाइन मतलब हर टाइप की मेरी वीडियो जाती है उस चैनल पे। आज मैंने चैनल का नाम चेंज किया, मेरे चैनल का नाम है ऑल वीडियो यूट्यूबर APA, ठीक है, अगर आपको APA का फुल फॉर्म जानना है
तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा। तो फिलहाल तो आज मैं सैमसंग का अपने मम्मी वाले फ़ोन से कर रहा हूँ, कल मैं इस फ़ोन से बनाऊँगा वीडियो अपना, और अगर इससे नहीं बना तो मैंने गोप्रो भैया ने दिया है, उस गोप्रो से मैं अपना उस ब्लॉग शूट करूँगा। फिलहाल तो इसी से मैं कल करूँगा। भाई अब गैस करो कौन सा फ़ोन है, खुद ही देख लो कौन सा है। अब मैं कल इसी से ब्लॉग शूट करूँगा। तो फिलहाल अभी मैं एडिट करूँगा, क्योंकि भाई एडिट करते करते 2:30 तो बज ही जाएंगे, 2:30 छोड़ो भाई 3 बज जाएंगे, और 3 बजेंगे उसके बाद तो मैं भाई 3 बजे क्या पता सुबह 10 से 11 बजे तक सो ही रह जाऊँ, उसके बाद छोड़ो। मिलते हैं भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। भाई वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सोचते हैं बस कैमरा उठाए वीडियो बन गया, भाई ऐसा बात नहीं है, वीडियो बनाने मेहनत लगता है। जो कॉमेडी वीडियो डालूँगा उसमें बहुत मेहनत लगेगा भाई, क्योंकि कॉमेडी वीडियो जो बनता है टाइम लगता है उसमें, और मैं जो कॉमेडी वीडियो डालूँगा मेरा दोस्त है ही नहीं मेरे पास, वो है बिहार में, मैं हूँ दिल्ली में। देखो मैं करता हूँ ब्लॉग बनाने के, पहले कपड़ा लिया, फिर उसके कपड़ा वगैरह चेंज किया, फिर पापा का रोल किया, फिर बेटे का रोल किया, तो भाई मिनिमम कपड़ा चेंज करता है 2 सेकंड का बनाने के लिए, 2 सेकंड के लिए कपड़ा वगैरह चेंज करो, चूल्हे वगैरह अच्छे से झाड़ो, फिर 2 सेकंड का वीडियो बंद करो, फिर उसके बाद से ये करो, भाई बहुत मेहनत करता है भाई। प्लीज़ आप लोग लाइक और क्यों नहीं करते भाई, मेरे को यही समझ में नहीं आता, बस मेरे से यही है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो और वीडियो को लाइक करो के जाना भाई, जैसे हो जैसे भी करना है करो, चप्पल फेंक के मारो, जूता फेंक के मारो, जो भी फेंक के मारो, बस मेरे को कुछ नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।